पथ पर दिए गए कथनों पढ़ को लिया, मैंने पढ़ लिया, कहीं नए ये परीक्षा पढ़ में लिया। खंडा 18 साल पहले इसमें सूट फाइल हुआ था जिसमें मैं उपस्थित नहीं हुआ था, और मैं ये इसलिए फाइल कर रहा हूं कि मैं मेरे को लालच हो गई। तो इसमें तो मैंने कोर्ट ने सर्व किया, कोर्ट के यहाँ सर्वस रिपोर्ट आई, तो मेरे रिपोर्ट में उसमें नहीं कहने से मैं उसको कैसे प्रूफ करूंगा। मैंने ये जजमेंट्स की बात आप कहा है, ऐसा कोई कानून लाए कि आपकी गवाही के अभाव में भी इनका आवेदन खारिज करना चाहिए? मेलॉर्ड, ये मेरा सबमिशन मेलॉर्ड, और मैं आप कैंडिडेट ऐसा कानून लाए कि आप, ये बर्डन आपका नहीं है कि ये तामील हुई थी, ये सिद्ध करने ये का भार आप पे मैं नहीं है, ये इस लेकिन आप ही तो पेश करोगे, वो पेश ही नहीं किया आपने। मेलॉर्ड सर रिकॉर्ड आज से पहले मेलॉर्ड, और जरूर डेवलपमेंट्स हो गए हैं कि कोर्ट्स में अब सब कुछ अपन पिटिशनर फाइल करे ले। आखिर 10-20 साल पहले मेलॉर्ड इंटायर रिकॉर्ड बुलाए जाते थे, और सिविल रिवीजन का मतलब है ये मेलॉर्ड 115 में है कि मेलॉर्ड रिकॉर्ड टू बी कॉल्ड। क्या है कि जब आपकी कोई गवाही नहीं है तो और देंगे क्या? ये मालूम मेरा एक सर्टिफाइड कॉपी है, एविडेंस है ट्रायल कोर्ट के सामने। आपने ये कहाँ पूछा है कि क्या भैया आपको कोई तामील सम्मन कोर्ट का आया था, आपने क्रॉस ही नहीं किया? अरे वो एडमिट कर रहा है कि 17-18 साल पहले सर मैं एक ही सिविल सूट बात पे फाइल, आया है वो कि ही हैज नॉट बीन सर्व विद दी समन्स। आपने एक लाइन पूछी, एक लाइन नहीं पूछी कि आपको, देखो भाई आपका कहना गलत है कि आपको समन नहीं मिला, आपको समन मिला था। अरे रिवीजन एडमिट होती है टल्ला लगाने के लिए, समझ लो आप। मेलॉर्ड आप ये ऐसी बात मत करिए, मेलॉर्ड ये किसी लर्नेड रिवीजन एडमिट होती है मेलॉर्ड टल्ला लगाने के लिए। मैं मेलॉर्ड बोल रहा ये हूँ किसी आपको, किसी जज के द्वारा एडमिट मैं किया कह गया। रहा हूँ टल्ला लगाने के लिए रिवीजन एडमिट बोल तो रहा हूँ, आप जाके बोलिए किसी जगह जाके। आपने और फर्दर मोर मेलॉर्ड कभी उनके आधा घंटे बैठ, इवन मतलब उनको लगा काय के लिए इसमें फर्द बहस बहस फर सुनना, मेलॉर्ड काय फर्दर है मोर सुनना। फर्दर मोर काइंडली बियर मी मेलॉर्ड। आपका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन तो छोड़ो, आपका जो है एविडेंस नहीं है, आपका कोई क्रॉस नहीं है, और कोर्ट के रिवीजन में इंटरफेयर करेगा कोई, मेलॉर्ड फर्दर मोर नॉट और कोई ओनली दिस जजमेंट नहीं आपके हाथ में। मेरे जजमेंट दिस आप, योर क्लाइंट इज डिसऑनेस्ट पर्सन, यू हैव नो नो टाइटल ओवर द नो प्रॉपर्टी, इसमें है, मेलॉर्ड मैंने देख लिया। मेलॉर्ड दिस सर यू रिवीजन प्रूव, यू प्रूव योर मेलॉर्ड टाइटल दिस ओवर। रिवीजन हैज बीन अलाउड बाय सर बाय दिस द ऑर्डर, आई अर्लियर हैव जज। सी दिस दिस ऑर्डर, सर ऐसा है, ये देखिए ऑलरेडी ऑर्डर सर सीट देखिए, भी आप है, लोग, आप जो 6/11/2012 की ऑर्डर सीट, आप मेलॉर्ड इट इज स्टैंडिंग नॉट सेट असाइड ऑन ऑन द बेसिस दैट इट इज इलीगल। सेंटीमेंटल आर्गुमेंट मत करिए, आप मेरे को आर्गुमेंट करिए। मैंने एक तो ये बताइए, व्हाट इज द लीगल वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट? बाबा ये पूछना चाहिए कि वो नहीं पूछना चाहिए मेलॉर्ड, 24 साल पहले भी तो वकील होते थे। आर नहीं ये पूछना है मेलॉर्ड, व्हाट एवर द मटेरियल है वी हैव टू लाइन डिसाइड इट, इज टू बी क्रॉस्ड, व्हाट एवर बी आई कैन योर ओनली राइट, से मेलॉर्ड। आर गुड वेल। लेकिन अब क्या हमें भी तो कुछ कहने का अधिकार है? वो कह नहीं रहे हैं नहीं मेलॉर्ड आपसे, आपको करने का है अधिकार मेलॉर्ड, कहने का नहीं। तो जैसे ही मैंने आपका ये देखा कि यू हैव नॉट लेड एनी एविडेंस, तब वहां से जो है प्रॉब्लम एज पर माई शुरू होती मेथड है। दैट वॉज नो नीड क्यों, बिकॉज सर द है कोर्ट तो इट वॉज विद द कोर्ट। यू शो मी दी एविडेंस, यू शो मी दी, कल बता देना, अभी तो मैं खारिज कर रहा हूँ, रिव्यू लगा दीजिएगा कि अब वो तो मैंने करूंगा, मैं जो कुछ करूंगा मेरा आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये तो, आप ही से तो पूछा जाएगा भाई, ही दे हैज हैव गिवन व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिवीजन अगेंस्ट दी सेटिंग असाइड ऑफ एक्सपर्टी जजमेंट एंड डिग्री। मेलॉर्ड, ये द अपीलेट कोर्ट हैज टेकिंग द रॉन्ग मेलॉर्ड द फैक्ट मेलॉर्ड, दे हैव अलाउड द रिवीजन। विच इज द रॉन्ग फैक्ट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द यस मेलॉर्ड अपीलेट कोर्ट। काइंडली सी मेलॉर्ड इन पैरा 7 का मेलॉर्ड बैक साइड मेलॉर्ड जी इंटरनल पेज 4 जी ऊपर से कौन सी लाइन? नीचे से मेलॉर्ड 5वीं 6वीं लाइन ऊपर से नीचे से मैलो। नीचे से छठवीं लाइन, यस हाँ मैलो प्रतिलेख आवेदक राम सिंह उर्फ रामफल द्वारा न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर दिए गए कथनों पढ़ को लिया, मैंने पढ़ लिया, कहीं नए ये परीक्षा पढ़ में लिया। खंडित नहीं किया मैं गया मैलोड। देयर आफ्टर मैलोड पैरा मेलॉर्ड व्हाट इज योर आर्गुमेंट? माई आर्गूमेंट वॉज देयर वॉज ड्यू क्रॉस एग्जामिनेशन। वेदर ड्यू सर्विस ऑफ समन्स वाज देयर, यस दो जो सर ट्रायल मेलॉर्ड कोर्ट ने कहा फाइंडिंग दी है कि उसके ऊपर सर्विस सर्व समन्स की सर्व हो फाइलिंग गया की गई मेलॉर्ड थी। पैरा फिर से टेन ऑनवर्ड्स मेलॉर्ड। आपने कोई कागज लगाया समन का? समन नहीं नहीं कैसे मैं सर्व हुआ था? उसने खुद ने ले ये लिया था सर्विस? पूरा 10/11 मेलॉर्ड डिटेल पे लेकिन उन्होंने जो सर्विस हुई थी वो उसके खुद के ऊपर हुई थी।
खुद के ऊपर हुई थी। लिखा है ट्रायल कोर्ट का पैरा 10 ऑनवर्ड्स माय लॉर्ड, सर, इसमें पैराग्राफ लिख नहीं रहे, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 3 का बैक साइड माय लॉर्ड। अच्छा ठीक है, 10 यस माय लॉर्ड। पढ़िए। दिनांक 28/6/79 को पुनः न्यायालय द्वारा दिनांक 11/4/79 को पुनः न्यायालय द्वारा सिलसिला पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। अग्रिम पेशी दिनांक 24/7/79 को पुनः ऐसा ही आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। प्रोसेस भी जारी की गई है और मामला दिनांक 27/8/79 के लिखित कथन हेतु नियत किया गया। दिनांक 27/8/79 को प्रतिवादी आवेदक को जारी सूचना पत्र तामील अथवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हुआ था। तब प्रकरण प्रतीक्षा में दिनांक 8/9/79 के लिए नियुक्त कर दिया गया। दिनांक 8/9/79 के पूर्व ही प्रतिवादी आवेदक को जारी यह सम्मंस जो दिनांक 24/7/79 के आदेशानुसार दिनांक 27/8/79 को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया था और जिसका नंबर 1040 था न्यायालय को प्राप्त हो गया। उक्त सम्मंस प्रकरण संलग्न